नवीन तिवारी। आज हम लोग दक्षम कंपटीशन क्लासेस में हम लोग ज्योग्राफी का अगला चैप्टर उठाएंगे। उस अगले चैप्टर का नाम सब लोग जानते होंगे, सुना भी होगा आप लोगों ने, उसका नाम है ज्वार और भाटा। सबसे पहली चीज हम लोग इस पर ये डिस्कशन करेंगे कि ये ज्वार और भाटा में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, क्या होता है ज्वार और क्या होता है भाटा। ज्वार कहाँ पर उठते हैं तो सदा ध्यान रखिएगा, सदा समुद्रों में उठते हैं। कहाँ उठते हैं बेटा? समुद्रों में उठते हैं। समुद्रों में कहाँ उठते हैं? समुद्रों की निचली सतह से उठते हैं। कहाँ उठते हैं भैया? निचली सतह से उठते हैं। तो कोई पूछे भैया कि ज्वार कहाँ से उठते हैं? समुद्रों में उठते हैं। किस जगह से उठते हैं? निचली सतह से उठते हैं। चलिए दूसरी चीज, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जब निचले धरातल में मतलब कि समुद्रों में जब जल का ऊपर की ओर प्रसारित होना, क्या होना भैया? प्रसारित होना क्या कहलाता है भैया? ये ज्वार कहलाता है। और जब यही जल एक समान स्थिति में आ जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं भाटा। क्या कहते हैं बेटा? भाटा। तो कोई पूछा लो ज्वार भाटा में क्या अंतर होता है? तो समुद्री जल का प्रसारित होना ही क्या कहलाता है? ज्वार कहलाता है। और उसी जल का समान स्थिति में आ जाना क्या कहलाता है भैया? भाटा कहलाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये सबसे बड़ी चीज हो गई, ज्वार भाटा में अंतर। प्रसारित जल क्या कहेंगे समुद्रों में? ज्वार कहेंगे। और एक समान स्थिति को हम लोग क्या कहेंगे भैया? भाटा कहेंगे। समुद्र सदा पूछे ज्वार कहाँ पर उठते हैं? निचली सतह पर उठते हैं। किस जगह पर? क्या बताएंगे हम लोग भैया? समुद्रों पर उठते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ज्वार की कंडीशन क्या होती है, ज्वार कब कब कैसे किस स्थिति पे आते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आते हैं। तो इसमें आप मेन जो है तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन हमारे एग्जामिनेशन हमें मिलती है कि ज्वार की कंडीशन सबसे पहली जो होती है कि सूर्य का आकर्षण, दूसरी स्थिति होती है चंद्रमा का आकर्षण, आकर्षण ध्यान रखिएगा, और तीसरी होती है पृथ्वी, पृथ्वी का अपकेंद्री बल। समझिए, हम लोगों ने ज्वार भाटा में समझा है कि ज्वार क्या चीज है। ज्वार क्या होता है? सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण के कारण ही क्या आते हैं? ज्वार आते हैं। तो जो आपके पेपर में कभी कभी सूर्य का आकर्षण, कभी कभी चंद्रमा का आकर्षण, कभी कभी दोनों का आकर्षण लिखे होंगे तो वो भी आंसर क्या है? सही है। अगर अलग अलग लिखेगा तो भी आंसर क्या भैया? सही है। तो सूर्य के आकर्षण कारण पहली कंडीशन हो गई ज्वार आने की, दूसरा भैया क्या होता है? चंद्रमा का आकर्षण कारण, और तीसरा कभी कभी पेपर में हमारे एग्जामिनेशन हॉल पे जब ये दो ऑप्शन नहीं मिलते हैं तो कंफ्यूज करने के लिए वाली देता है पृथ्वी का अपकेंद्री बल। ध्यान रखिए, क्या भैया? पृथ्वी का अपकेंद्री बल। तो ये तीनों पेपर में हमारे किसी भी एग्जामिनेशन के किसी क्वेश्चन पे जब ज्वार कंडीशन आए और ये तीनों चीजें जहां पर मिल जाए ऑप्शन में, उसी को हमें क्या लगा के आना है भैया? टिक लगा के आना है। ये ज्वार की तीन कंडीशन होंगे ज्वार आने के, किस तरीके से ज्वार हमारे समुद्रों में उठते हैं। तो क्या बताएंगे? सूर्य के आकर्षण के कारण, चंद्रमा के आकर्षण कारण और पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण। कुछ लोग कह रहे हैं सर जी ये सूर्य आकर्षण किससे कर रहा है, चंद्रमा आकर्षण किससे कर रहा है? तो सदा ध्यान रखिएगा, ये आकर्षण कर रहा है पृथ्वी के साथ। किसके साथ कर रहा भैया? पृथ्वी के साथ, ध्यान रखिएगा। कोई पूछा लोगों से सूर्य का आकर्षण किसके साथ? पृथ्वी के साथ। चंद्रमा का आकर्षण किसके साथ? पृथ्वी के साथ, ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको मैं साफ कर रहा हूं, आगे देखते हैं। देखते हैं ये तो तीनों कंडीशन होंगे ज्वार आने के। अब एक क्वेश्चन यहां घूम जाता है, कहता है ज्वार जो होता है ये कितने प्रकार का होता है? तो जो हमारे टाइड ज्वार को कहते हैं हम लोग, टाइड कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ज्वार जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? सदा ज्वार ध्यान रखिएगा, जो टाइड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक पहली कंडीशन हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ ज्वार। दूसरी कंडीशन हम लोग क्या कहते हैं? लघु ज्वार। क्या कहते हैं भैया? लघु ज्वार। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? दीर्घ ज्वार। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? लघु ज्वार। इन दोनों में अंतर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, क्या होता है दीर्घ ज्वार, क्या होता है लघु ज्वार, इन दोनों को मैं अलग अलग समझाता हूं आपको, ध्यान रखिएगा। पहले लोग समझते हैं दीर्घ ज्वार को, ध्यान रखिएगा। दीर्घ ज्वार की कंडीशन क्या होती है, दीर्घ ज्वार आते कब कब है, किस तरीके से आते हैं, वो सबसे पहली चीज समझते हैं। सबसे पहली चीज में हम लोग ये समझेंगे कि दीर्घ ज्वार आने की कंडीशन क्या है। समझिएगा एक चीज को, आप लोगों ने सबने सुना होगा सूर्य ग्रहण का नाम सुना होगा, या सूर्य ग्रहण नहीं कहेंगे हम लोग, अमावस्या कहेंगे, और पूर्णिमा का नाम सुना होगा, जिसको लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण, ऐसा कहते हैं चंद्र ग्रहण। ठीक, तो कोई पूछे दीर्घ ज्वार कब कब आते हैं, अमावस्या को या पूर्णिमा को,
ना मिले तो सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। यहाँ ये तो क्लियर हो गया होगा कि दीर्घ ज्वार कब कब आएगा, अवसर क्या मिलेगा, अमावस्या या पूर्णिमा, नहीं मिलेगा दिक्कत आएंगे, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। अब यहाँ पर सेकंड पोजीशन की सूर्य ग्रहण कैसे पड़ता है, कभी कभी लड़का कंफ्यूज होता है कि सर चंद्रमा बीच में होगा कि पृथ्वी बीच में होगी, क्या बीच में होगा, इसमें लड़का कंफ्यूज आता है। आपको कंफ्यूज होने की बात नहीं है, मैं जैसे बता रहा हूँ बस उसको ऐसे तैयार रखिएगा, एक को याद रखिएगा, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा भैया, तैयार हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में, कुछ नहीं करना है, लिखना है स्विच अप। क्या लिखते बेटा, स्विच अप। अब ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से, सूर्य ग्रहण पढ़ना है स्विच अप। ऐसे क्या हो गया, सूर्य, सन मतलब सूर्य, सी से क्या आ गया चंद्रमा, अब पी से क्या हो गई पृथ्वी। क्लियर हो गया, अब ट्रिक क्या भैया, स्विच अप, सन मतलब सूर्य, सी से चंद्रमा, पी से पृथ्वी। सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का एक सीट पर होना ही क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है, सूर्य ग्रहण। ये कब पड़ता है, ये अमावस्या को पड़ता है। कब पड़ता है भैया, अमावस्या को पड़ता है। क्लियर हो गया होगा। जब मैं कहूंगी किसकी बात करूंगा, मैं चंद्र ग्रहण की बात करूंगा, तो सब लोग क्लियर हो गया होगा। यदि एक चीज क्लियर है दूसरी चीज तुरंत क्लियर हो जाएगी। क्या करना है, सूर्य यथावत रहता है, सूर्य कभी नहीं बदलता है। क्या बदलता है सिर्फ यहां पर, पृथ्वी और चंद्रमा। क्लियर हो रहा होगा, क्या क्या बदलेगा, पृथ्वी और चंद्रमा। तो क्लियर होगा चंद्र ग्रहण की कंडीशन क्या बन रही है, सूर्य अपनी जगह पर रहेगा, बस पृथ्वी और चंद्रमा को क्या करना, हमें अदला अदला बदली करनी है, पृथ्वी को पहले चंद्रमा को बाद में। तो स्विच ऑफ से क्लियर हो गया होगा, स एस मतलब सन, सी मतलब चंद्रमा, पी से पृथ्वी। अगर हमें ये किसी कंडीशन होगी सूर्य ग्रहण की, यदि ये याद है तो चंद्र ग्रहण में कुछ नहीं करना होगा, सूर्य अपनी जगह, पृथ्वी को उठा लेना, चंद्रमा को उधर भेज देना है। यही क्या हो गया भैया, हमारा चंद्र ग्रहण हो गया। इसी को हम लोग किस दिन आता है, हमारे यहाँ पूर्णिमा में होता है। तो क्लियर हो गया होगा, दीर्घ ज्वार कब कब आते हैं, ये अमावस्या और पूर्णिमा को आते हैं। ऑप्शन नहीं मिले क्या बताएंगे, सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम लोग समझते हो जाएगी लघु ज्वार के लिए, कंडीशन क्लियर हो गई होगी, नहीं समझ आ रहा समझिएगा, ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये पृथ्वी, ये हो गया सूर्य ग्रहण, ये सूर्य, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा। क्लियर हो गया होगा। ठीक भैया, ध्यान रखिएगा क्या होगा, एक सीट पर होंगे इसी, कभी कभी देना, हाँ मुझे ध्यान आया, सब लोग ध्यान रखिएगा, कंडीशन होती है सिज़िकी, किसे कहते हैं सिज़िकी, कोई कंफ्यूज होने जरूरत नहीं। सिज़िकी का अर्थ क्या है बताना, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का एक सीट में होना ही क्या कहलाता है भैया, सिज़िकी कहलाता है। कभी क्वेश्चन आया सिज़िकी किसे कहते हैं, सूर्य चंद्रमा पृथ्वी का एक सीट में होना ही क्या कहलाता है बेटा, सिज़िकी कहलाता है। तो भैया यही कंडीशन, कंडीशन किसकी हो गई, दीर्घ ज्वार की। अब आते हैं लघु ज्वार। हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, एक सामान्य ज्वार मान लेता हूं, ये सामान्य ज्वार है, ये दीर्घ ज्वार है और ये लघु ज्वार है। जब इन सब में कंडीशन पूछे बेसिक डिफरेंस क्या होता है, समान स्थिति को मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए 100%। बहुत ध्यान समझिएगा कि दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार में और क्या अंतर है। एक मैं समान ज्वार की स्थिति मान लेता हूं कितने परसेंट, 100%। जब यही कह दूं दीर्घ ज्वार, तो सदैव ध्यान रखिएगा दीर्घ ज्वार सदैव समान ज्वार से 20% क्या होते हैं, अधिक होते हैं, बोले तो ये 120% इसकी लहरें क्या होंगी भैया, ऊंची होंगी। और जब कोई कंडीशन कहते लघु ज्वार, तो समान ज्वार जो सदैव के 20% कैसे होते हैं, कम होते हैं, कितने परसेंट हो गए, 80%। तो क्लियर हो गया होगा कि लघु ज्वार समान ज्वार में कितना का अंतर होता है, 20% का अंतर होता है। अगर कभी कभी पूछ ले आप लोगों से कि समान स्थिति से दीर्घ ज्वार कितना ऊंचा होता है, तो 20% अधिक होता है। लघु ज्वार कितना होता है भैया, तो 20% कम होता है। तो इसका कितने परसेंट का अंतर आता है, 20%। कभी कभी ये भी ऑप्शन आता है कि इनमें से कौन सा कथन दीर्घ ज्वार के लिए सही नहीं है, तो लिखा होगा समान ज्वार जो जो दीर्घ ज्वार है वो लघु ज्वार से 20% कम होता है। तो गलत हो गया भैया, 20% क्या होता है भैया, ये अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया दीर्घ ज्वार, समान ज्वार और लघु ज्वार में अंतर, ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब आते हैं, ये तो हो गया किसके बारे में बता दिया मैंने, दीर्घ ज्वार के बारे में। दोनों कंडीशन कितने परसेंट अंतर होता है, 20% का अंतर होता है। अब आते हैं थोड़ी देर के हम डिस्कशन करेंगे लघु ज्वार के बारे में। लघु ज्वार किसे कहते हैं, लघु ज्वार वो होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे के समकोण की स्थिति बनाते हैं। क्या स्थिति बनाते हैं, समकोण। समकोण बोले तो 90 डिग्री के एंगल पे, देखिए हर जगह 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो जब भी 90 डिग्री एंगल पे हो
तो ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं। कौन से लघु ज्वार किसे कहते हैं, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक दूसरे की कैसी स्थिति बना रहे हो, समकोण की स्थिति बना रहे हो, तो उसे हम लोग किस नाम जानते हैं बेटा, लघु ज्वार के नाम से जानते हैं। ये मान लेता हूं सूर्य है, ये मान लेता हूं चंद्रमा है, ये मान लेता हूं पृथ्वी है, और कंडीशन कैसी बन रही है सबके साथ, 90, देखिए 90 डिग्री एंगल की बन रही है। तो समकोण की स्थिति क्या बना रही है भैया, लघु ज्वार। ये बेटा कब आते हैं लघु ज्वार, कोई पूछा आप लोगों से तो सदा बताइएगा सप्तमी व अष्टमी में आते हैं। कब आते हैं, सप्तमी व अष्टमी। पेपर में कभी कभी ऑप्शन नहीं मिलता है, तो हम टिक लगा के आते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष। क्या क्या भैया, कृष्ण पक्ष और दूसरा क्या लगाते हैं हम लोग भैया, शुक्ल पक्ष। तो बच्चे लघु ज्वार कब कब आते हैं, सप्तमी व अष्टमी, ना मिले तो बताएंगे कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष, पक्ष में आप ध्यान रखिएगा। तो जो भी ऑप्शन मिलेगा उस हिसाब से हम लोग क्या लगा के आएंगे भैया, टिक लगा के आएंगे। तो क्लियर होगा दीप ज्वार लघु ज्वार में, दीप ज्वार कब कब आ रहे, तो अमावस्या पूर्णिमा, ना मिले तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। लघु ज्वार कब कब आ रहे, सप्तमी अष्टमी में आ रहे, नहीं मिलेगा कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष लगा के आना है। दोनों बेसिक डिफरेंस सबसे पहले बताया मैंने कि सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध पर हो, सीधे सीधे आ रहे हो, सिच की कंडीशन ध्यान रखेगा, तब क्या आ रहे हैं दीर्घ ज्वार। और जब कोई पूछा लघु ज्वार, तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी कैसी स्थिति बना रहे हो, समकोण की स्थिति बना रहे हो, तब क्या आते हैं भैया हमारे यहाँ लघु ज्वार आते हैं। क्लियर हो गया होगा। अब मैं आगे थोड़ी थोड़ी सी और बातें चलते हैं हम लोग ज्वार वाटा के बारे में। इसको मैं क्या कर रहा हूँ भैया, साफ कर रहा हूँ ध्यान रखेगा। चलिए दीर्घ ज्वार लघु ज्वार में कितने परसेंट का अंतर भैया, ध्यान रखिएगा 20% का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखता हूँ, आगे हम लोग देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा ज्वार, कोई पूछे ज्वार दिन में कितने बार आते हैं, तो ज्वार की कंडीशन होती है दिन में 2 बार की, कितने बार आते हैं 2 बार। जब ज्वार दिन में 2 बार आते हैं तो प्रत्येक ज्वार आने का समय कितना होता है, तो प्रत्येक ज्वार आने का समय होता है 12 घंटे और 26 मिनट। तो कोई पूछा आप लोगों से कि ज्वार कितने बार आते हैं दिन में, कितने बार आते हैं 2 बार आते हैं, प्रत्येक ज्वार आने का समय कितना होता है 12 घंटे 26 मिनट। मतलब ये एक ज्वार आने की कंडीशन है बेटा, और दिन में आ कितने बार रहे हैं 2 बार, तो इसका मतलब टोटल ऑफ समय कितना लग गया 24 घंटे 52 मिनट। कितना लगता है कुल समय बराबर 24 घंटे 52 मिनट। तो एक ज्वार आने समय कितना होगा 12 घंटे 26 मिनट। लेकिन अगर कोई पूछा लोग कुल समय कितना लगता है, तो क्या बताएंगे हम लोग भैया 24 घंटे 52 मिनट। क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आता है, अर्ध दैनिक ज्वार, क्या क्वेश्चन आएगा, अर्ध दैनिक ज्वार आने का समय 12 घंटे 26 मिनट, पूरा दैनिक पूरा पूरा टोटल समय कितना लगता है, तो क्या बताएंगे हम लोग भैया 24 घंटे 52 मिनट। क्लियर हो गया होगा। चलिए लेकिन यही से क्वेश्चन आता है, क्या पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है, सब लोग जानते होंगे आप लोगों ने, एक ऐसी जगह जहां पे दिन में 4 बार ज्वार आते हैं, कितने बार ज्वार आते हैं भैया दिन में 4 बार। ये कहां पड़ती है जगह, ये इंग्लैंड पड़ती है, कहां पड़ती है इंग्लैंड, कहां पड़ती है भैया इंग्लैंड, ध्यान रख कितने बार आते हैं बेटा 4 बार, जगह कहां पड़ती है इंग्लैंड, क्या जगह का नाम है साउथहैम्पटन। दिन में कितने बार ज्वार आते हैं वहां पर 4 बार। कंडीशन क्या है ध्यान रखिएगा, कंडीशन कुछ इस तरीके से है, तो ध्यान रखें आकर्षण शक्ति तेज होने के कारण वहां दिन में कितने बार ज्वार आते हैं भैया 4 बार ज्वार आते हैं। तो क्लियर हो गया होगा, अगर 4 बार ज्वार आ रहे हैं तो एक ज्वार आना का मतलब, एक ज्वार आने का मतलब कितना हो गया 6 घंटे 13 मिनट। तो 6 चौको 24 13 चौको 52, तो वही हो गया 24 घंटे 52 मिनट। क्लियर हो गया होगा। तो ऐसी कौन सी जगह पूरे वर्ल्ड में जहां दिन में 4 बार ज्वार आते हैं, तो इंग्लैंड के साउथ हैम्पटन में आते हैं। कितने बार आते हैं, कितने बार आते हैं 4 बार आते हैं, क्या समय लेते हैं एक ज्वार आने समय 6 घंटे 13 मिनट लेते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए यहीं से हम लोग एक नई और बात सीखते हैं, क्लियर हो गया होगा, पूरे वर्ल्ड में कितने बार ज्वार आते हैं अधिकांशता 2 बार, एक ज्वार आने का समय 12 घंटे 26 मिनट, कुल समय कितना लगता है 24 घंटे 52 मिनट। यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन जगह है जहां सबसे ज्यादा बार ज्वार आते हैं, तो वह है इंग्लैंड। कितने बार आते हैं 4 बार आते हैं। किस जगह आते हैं साउथ हैम्पटन में आते हैं। कितना समय लेते हैं 6 घंटे 13 मिनट का लेते हैं बेटा समय लेते हैं। टोटल समय कितना हो गया 6 चौको 24 13 चौको 52। हम लोग आगे आते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ज्वार जी आता है कहाँ पर आता है, यह ध्यान रखिएगा फड़ी की खाड़ी में, कहाँ आता फड़ी की खाड़ी में।
को फंडी पड़ेगा, आपको ध्यान रखिएगा। तो क्या कहेंगे, फंडी की खाड़ी में, ये पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा द्वार कहां आता है, फंडी की खाड़ी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा द्वार कहां आ रहा, फंडी की खाड़ी में आता है। सबसे ज्यादा बड़ा द्वार कहां आता है, इंग्लैंड के साउथ एक्टर में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। अब उन्होंने सबसे जाना और सुना होगा भारत में रेखा पड़ती है, बंदरगाह है अपने यहाँ का, उस बंदरगाह का नाम है कांडला बंदरगाह, जिसको अभी हाल ही में नया नाम दिया गया पंडित दीन दयाल उपाध्याय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय बंदरगाह, अभी लेटेस्ट नाम है इसका, पुराना नाम क्या था, कांडला बंदरगाह। सब लोग बताओ कहाँ पड़ता है कांडला, गुजरात। ये भारत का एक ऐसा बंदरगाह है जो ज्वारी है, कैसा बेटा, ज्वारी बंदरगाह। तो आप लोग उसको पूछे कि भारत का ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो ज्वारी है, तो उसका नाम क्या, कांडला बंदरगाह। ऑप्शन ना मिला तो क्या लिख देंगे लोग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ध्यान रखिएगा। खासियत क्या है देखते हैं, ये पोर्ट है, ये जल, मान लेता हूं मैं एक बंदरगाह पे, एक पोर्ट बंदरगाह पे पानी में जहाज आया थोड़ी देर के लिए, और माल यहां पे उतरना। अब यहां से पोर्ट की जो ऊंचाई है देखा जाए तो ज्यादा थोड़ी सी, अब यहाँ पे कैसे जाल उतरेगा, किसी कंडीशन ज्वार के दम पे होती है। जब समुद्री लहरें ऊपर की ओर उठती हैं, तब किसी जो जहाज इसको थोड़ा सा ऊपर उठाती हैं, और जब इस पोर्ट में पानी भर जाता है तो यही जाल यहाँ क्या होता है, उतार लिया जाता है, जिसके माध्यम से यहाँ पे शिपिंग के माध्यम से हम लोग पूरा पूरा माल क्या कर लेते हैं, यहाँ पर उतार लेते हैं। इस तरीके से यहाँ क्या होता है भैया, वर्किंग होती है, काम होता है। ऐसा कौन सा बंदरगाह अपने यहाँ का भैया, कांडला बंदरगाह, जिसको वर्तमान नाम क्या दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। कहाँ पड़ता है, चलो ध्यान रखें, गुजरात पड़ता है। कैसा बंदरगाह अपने यहाँ का, ज्वारी बंदरगाह, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे अपने पेपर में। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाएगा कि ज्वार आने की कंडीशन क्या क्या होती है, तो हम लोग कुछ मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ तीन चार, उनको ध्यान रखिएगा, जो उसमें ज्यादातर पेपर पूछे जाते हैं, चार क्वेश्चन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन होगा कि ज्वार भैया आते कैसे, तो बताना सूर्य व चंद्रमा, ऑप्शन होगा सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण के कारण। अगर ये पेपर में ऑप्शन नहीं मिलता है तो मैंने थोड़े बताया था, वहां लिखा होगा पृथ्वी के अप केंद्रीय बल के कारण, ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने पहले स्टेप ऐसी बताई आप लोग को, कभी कभी क्या चंद्रमा के आकर्षण कारण नहीं मिला ऑप्शन में तो लिखा होगा सूर्य के आकर्षण के कारण, ऑप्शन नहीं है तो लिखा होगा पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। अर्ध दैनिक ज्वार आने का समय कितना होता है, दूसरे टाइप क्वेश्चन है। अर्ध दैनिक लिखा बेटा, अर्ध दैनिक, जब अर्ध दैनिक आधा, आधा बोले तो 12 घंटे 26 मिनट। पूर्ण या कहते हैं दैनिक ज्वार आने का समय कितना होता है, तो 24 घंटे 52 मिनट, ध्यान रखिएगा भैया। क्लियर हो गए दोनों क्वेश्चन। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है, थोड़ी बताया मैंने, फंडी की खाड़ी में आता है। फिर पांचवा टाइप क्वेश्चन कैसे घुमा देगा भैया, कह देगा सबसे ज्यादा बड़ा ज्वार कहाँ आते हैं, मैंने बताया इंग्लैंड में। किस जगह आते हैं, साउथ हैप्टन में। कभी का कंडीशन दे देता है, एक ये सूर्य है, ये चंद्रमा है, ये पृथ्वी है, ये कंडीशन किसकी है, तो सीधे सीधे ये कैसी स्थिति बन रही, संपूर्ण की 90 डिग्री की, ये कंडीशन क्या हो गई, लघु ज्वार की। अगर ये कंडीशन नहीं हो तो कैसे लिख देगा, कह देगा ये कंडीशन किस चीज की है, तो क्या बताएंगे हम लोग, दीर्घ ज्वार की। क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से हमारे पेपर में क्या बनते हैं भैया, क्वेश्चन बनते रहना, ये फिगर वाइज भी कभी कभी पेपर हमारे क्या बन जाते हैं, क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ से हमारा जो ज्वार भाटा चैप्टर था वो यहाँ से क्या होता है भैया, अपना पूर्ण रूप से समाप्त होता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला हम लोग फिर से बार अगला चैप्टर फिर से किसे लेंगे, हम लोग ज्योग्राफी से लेंगे। जैसा मैं आप सबको बता चुका हूँ कि हम लोग दो जीएस के अंदर दो चीजों को ले रहे हैं, पहले हम लोग एक जगह संविधान पढ़ रहे हैं और दूसरा हम लोग लेके चल रहे हैं भूगोल। इन दोनों के लेक्चर ही मैं डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको एक साथ दोनों चीजें क्या होती चले, क्लियर होती चले, ध्यान रखिएगा। जो भी टॉपिक पहले खत्म होगा उसके स्थान हम लोग कोई नया टॉपिक उठा लिया जाएगा, लेकिन अभी हम लोग दो दो लेक्चर दोनों टॉपिक को क्या करें, लगातार हम लोग क्या करें भैया, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और लगातार इसको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सब लोग जानते होंगे, दक्षिण कॉम्पिटिशन क्लासेस, मैंने लगातार हर एक लेक्चर में इसकी चर्चा चला चुका हूँ। जिन लोग भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, बहुत अच्छी चीज है,
जो नहीं जुड़े हैं वो सभी लोग प्ले स्टोर के माध्यम से हमारे दक्षम ऐप को जरूर से जरूर डाउनलोड करें, और उसके बाद जितनी भी एजुकेशन से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वहां से आपको क्या होती रहेंगी, प्राप्त होती रहेंगी, ध्यान रखिएगा। अभी लोग उस ऐप के माध्यम से आपको करंट अरेंट जितनी भी चीजें हैं वो लगातार हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पर अपडेटिंग कर रहे हैं, और उसके माध्यम से आपको लगातार वो चीजें क्या होती रहेंगी भैया, प्राप्त होती रहेंगी, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।